चांद हदीस लिखी हुई थी, मगर वो मैं फिर जिंदगी रही तो अगली दफा सुनाऊंगा। अभी मैं शाह साहब की बात को इसको पूरा करूं ताकि पहले आपको जोकी कैफियत थी, अब आपको फिक्री दावत दे रहा हूं, अब आपको फिक्री दावत दे रहा हूं। ये चार चीजें हैं ना आपके अंदर, जिस्म, रूह, अकल और दिल। दिल की गिजा तकवा, अकल की गिजा इल्म, जिस्म की गिजा ये खाना, रूह की गिजा मोहब्बत। अब ये चारों चीजें जब मिलती हैं, जमा होती हैं, ठीक है ना, कहारियो जब्बारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये अरबा अनासर हो तो बनता है मुसलमान जी। ये चार चीजें जब मिल गई आपके अंदर, तो इस दुनिया में जब तुम पहुंचे, तो इसमें एक चौथी चीज पैदा हुई, उसको क्या कहते हैं, नफ्स। उस नफ्स की सात हालतें, कितनी हालतें हैं, सात हालतें। पहली हालत में उसको कहते हैं नफ्से अम्मारा, पहली हालत जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, नफ्से। जब इंसान नफ्से अम्मारा होता है तो वो रॉ मटेरियल होता है। मसलन हर आदमी आदम की नस्ल है, मगर हर आदमी इंसान नहीं, हर आदमी इंसान नहीं, आप समझ गए। कुल कुल यामलु अला शाकिलती फरबकुम अलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, फरबकुम अलमु बिमन। हर आदमी आदम जात है, मगर हर आदमी इंसान नहीं। आदम को जब रब पुकारता है तो उसको या आदम कहके पुकारता है, ठीक है, और इंसान को जब पुकारता है तो कहता है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान जी। आदम को इंसान बनते हुए कुछ देर लगती है, आप समझ गए, आदम को इंसान बनते हुए कुछ देर लगती है। अगर वो पहले से ही रॉ मटेरियल है, पैदा हुआ तो खाने में लग गया, पीने में लग गया, सोने में लग गया, और बच्चे पैदा करने में लग गया, और बुराई में लग गया, ये आदम ही रहा, ये आदम ही रहा। अब उसके ऊपर जो खसलत गालिब होगी, मैंने पहले खिताब से शुरू किया था, अगर उसके ऊपर खुद पसंदी तकबर और गुरूर गालिब हुआ, वो है तो आदम, सूरत आदम की है मगर है शैतान। तो आपने अगर शैतान देखना हो तो वो उस सूरत में तो नजर नहीं आता, इस सूरत में नजर आता, क्योंकि उसके ऊपर ये तीन खजाइल गालिब आ गए। आप समझ गए मेरी बात। फिर अगर आपने कीना बुग्ज और हसद ये देखना हो तो फिर तुम किसी इंसान को देखो, है तो वो चलता फिरता इंसान, मगर बातन में उसकी सूरत है ऊंट जानवर। बल्कि बात होगा तो ये भी अल्लाह फरमाता है उलाई का कल अनाम बल हूं, हैवान फिर किसी काम आता है, ये किसी काम का भी, ये किसी काम का भी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात, आप गौर कीजिए। चार चीजें मिली, नफ्स बना। नफ्स की पहली किस्म क्या है, नफ्स अम्मारा। अब नफ्स अम्मारा क्या है, मैं आपसे आपको आपको उसका आईना दिखाता हूं। नफ्स अम्मारा क्या है, मैं चार दोस्तों में बैठा, मेरा मौजू ना अल्लाह ना रसूल ना औलिया अल्लाह ना कुरान ना सुन्नत ना हदीस ना नेकी ना भूखे को खाना ना प्यासे को पानी ना किसी जाहिल को इल्म, कोई हमारा मौजू नहीं है। बैठ गए गीबत में मसरूफ, चुगली में मसरूफ हो गए, हमारा मौजू दूसरा इंसान बन गया, फिर हर बात बात पे गाली देते रहे,
फिस्क है। गाली देना क्या है? फिस्क है। गाली देते रहे फिस्क, ये फासिक रहे वो फुलाने को गाली देते नहीं। आप कोई कोचवान है कोई बात लोग देखते हैं ना आप चला रहे होते हैं, वो जब भी बोलते हैं दूसरे को गाली देकर बोलते होते हैं ना। कुछ लोग पास से गाली गुजरी, कुछ जरा सी गलती हुई इतनी बड़ी गाली दे दी, इतनी बड़ी गाली दे, कुछ साथ देते कुछ भी हो गया गाली दे। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारे मामला क्या है, ये उस शख्स का नफ्स है, नफ्स अम्मारा। कुरान मुकद्दस ने फरमाया इन्ना नफ्स ला अम्मारा तुन बिस्सू। अम्मारा उस शख्स का नफ्स है जिसको बदी ही की तरफ राखिब रखता है, नेकी का सोच नहीं देता। आप समझ गए उस शख्स का नफ्स क्या है? नफ्स अम्मारा। आप मालूम है मेरे इसमें सूरत की बात नहीं आ सकती। नसब किसी का कुछ भी हो, हसब किसी का कुछ भी हो, खानदान किसी का कुछ भी हो, आप समझ गए किसी भी तरफ से हो, बात यहां से है कि यहां से क्या निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है। तो जो शख्स बोले तो झूठ, देखे तो गैर महरमों को, और हाथ बढ़ाए तो किसी को जुल्म करे, जाए तो किसी गंदी जगह पे, ऐसा शख्स का मजमूई अमल अम्मारियत है, और ऐसे शख्स के नफ्स को नफ्स अम्मारा कहते हैं। यह अगर इसी हालत में फौत हो जाए, ये इंसान अगर इसी हालत में मर जाए, ठीक है, इसी हालत में मर जाए, सिर्फ अब्दुल्ला नाम रखने से उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि कुछ लोग उसको नहा देंगे, धुला देंगे, और कब्रिस्तान में जाके जमा कर देंगे, दफना देंगे। इसके अलावा खुदा के हाँ उसको कोई बेनिफिट नहीं। आप समझ गए, चूंकि इंसानियत का इर्तिका जरूरी है, आदमियत से इर्तिका का, यानी आदम से इर्तिका हो जाए, फिर वो इर्तिका हो गया कि बदी को छोड़ दिया। बदी को क्या किया? छोड़ दिया। अब पहला इंसान वो है जिसको नेकी करने के लिए कोई कहे तो वो उसको कानो कान उसका मजाक उड़ाए लेगा। ये क्या, इसको क्या पड़ी हुई, तो मुल्ला ही लग गया, ये तो बस क्या हो गया, इसको बस अल्लाह की फिक्र ही पड़ी हुई, तो वो मजाक भी उड़ाए, जाए भी उस तरफ ना, उसका नफ्स नफ्स अम्मारा है। आप समझ गए मेरी बात।